नूह में जो कुछ हुआ वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है, या फिर कहें इल्तजा की गई है, कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। दिल्ली एनसीआर में रैली पर रोक की मांग है। आज होनी है बजरंग दल की रैली, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। नूह में फैली हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं, करोड़ों की संपत्तियां आग के हवाले कर दी गई। आशीष भार्गव है हमारे सीनियर लीगल एडिटर, उनके पास चलते हैं। आशीष, क्या है ये पूरा मामला जो नूह में हुआ वो, और दूसरा बजरंग दल की रैली, कनेक्शन क्या है और चाहते क्या है याचिकाकर्ता? जी देखिए, यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है शारीरिक हेट स्पीच हेट क्राइम को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनका पालन कराने का, जिसमें हमने देखा था कि धर्म संसद जो हो रही थी, जिसमें मुस्लिमों के प्रति जो है वो भाषणबाजी की गई थी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था और सारे राज्यों को आदेश जारी किए थे कि वो हेट स्पीच हेट क्राइम को रोकने के लिए प्रयास करें, सो मोटो FIR दर्ज करें, कार्रवाई करें, वरना सुप्रीम कोर्ट इसे कंटेम्प्ट मानेगा। वो डायरेक्शन सारी राज्यों को है, उसी में अर्जी मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई है और कहा गया है कि जिस तरीके से नूह की घटना हुई है और उसके बाद वहाँ पर प्रस्तावित दिल्ली NCR में रैलियाँ हैं, उन पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि हेट स्पीच होगी और उसके बाद सांप्रदायिक जो हिंसा है वो भड़क सकती है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की गई है। हालांकि ये पिटीशन आज ही दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की कोशिश मुस्लिम पक्ष कर रहा है, लेकिन अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट ने हामी नहीं भरी है, क्योंकि जो अनुच्छेद 370 पर 5 जजों का संविधान पीठ सुनवाई कर रहा है और 5ों वरिष्ठ जज उसी में हैं, चीफ जस्टिस मेंशनिंग सुनते हैं वो भी उसी में हैं, और जो जज जिनके पास मेंशनिंग करने की कोशिश की गई, जल्द सुनवाई की मांग की गई, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस से पूछिए कि क्या हम इस केस को सुन सकते हैं या नहीं, तो निश्चित तौर पर ये पक्षकार कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले की आज ही सुनवाई हो जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रजामंदी नहीं मिली है। जी, दिल्ली NCR में रैली जिस पर रोक की मांग की गई है, जो आज होनी है, उसका उपलक्ष्य क्या है, अगर जानकारी हो? जी देखिए, वो नूह में जो सारा जो हिंसा हुई है उसी को लेकर बजरंग दल की तरफ से घोषणा की गई है कि वो रैलियां निकालेंगे दिल्ली NCR में, गुड़गांव में भी, तो उसी को लेकर इनका ये कहना है कि अगर ऐसी रैली निकाली जाएंगी जिसमें भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, हेट स्पीच दी जाएगी, तो इससे सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती है और ऐसे में स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दखल दे और प्रशासन को ये आदेश जारी करे कि इस तरह की रैलियां को बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाए और रैली अगर हो करने की कोशिश की जाए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर यानी निवारण करने के, ऐसी घटनाएं ना हो उसको रोकने के इंतजाम, तमाम इंतजाम प्रशासन पुलिस करे।